किस तरह की व्यवस्था बनाने जा रहा है? दिक्कतें आ रही हैं, बार बार बात आ रही है कि किराना जो है वो समय पे नहीं पहुंच रहा है, इसको लेकर किस तरह का नए बदलाव देखने को मिले? देखिए, किराना की जो व्यवस्था अभी 6 दिन हुए हैं उसको चालू किए हुए, और 6 दिन में हम लोग 70,000 के आसपास जो राशन के ऑर्डर्स हैं उनकी डिलीवरी कर चुके हैं। 6 दिन में 70,000 डिलीवरी करना एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। मुझे लगता है कि जो सिस्टम हम लोगों ने जिस तरीके का सोचा था वो लगभग सेट हो चुका है। ये जरूर है कि शुरुआत के 1-2 दिनों में जो ऑर्डर्स की संख्या बहुत ज्यादा आई थी और किराना दुकानों की संख्या उस दिन बहुत कम थी, उसकी वजह से शुरू में 3-4 दिन दिक्कतें आई थी, और उन्हीं की 1-2 दिक्कतें जो है वो आज भी कुछ कुछ जगहों पर बनी हुई हैं उन ऑर्डर से संबंधित। बाकी पिछले 5 दिनों में हम लोगों ने वर्किंग करके दुकानों की संख्या 223 से बढ़ा के लगभग 540 के आसपास कर दी है, और उनके यहाँ भी प्रॉपर सप्लाई की व्यवस्था हम लोगों ने करा दी है। अभी जितने भी ऑर्डर लिए जा रहे हैं मैक्सिमम 1-2 दिनों में पूरे हो जाते हैं। पूरा पुराना जो बैकलॉग है उसके संबंध में कुछ शिकायतें, आपका कहना बिल्कुल सही है, कुछ आ रही हैं। इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया था कि कल हम लोग कोई ऑर्डर नहीं लेंगे, कल शनिवार को कचरा गाड़ी के साथ में ऑर्डर लेने वाला नहीं चलेगा। आज तक जितने भी ऑर्डर लिए गए हैं उन सब की डिलीवरी या तो आज शाम तक या कल तक 100% हम लोग कर देंगे, उसके बाद परसों से वापस ऑर्डर लेने चालू होंगे। शुरुआत में जरूर निश्चित रूप से कि पूरा नया सिस्टम है, नगर निगम के लोगों को भी इसका अनुभव नहीं है, और हमारे जो किराना व्यापारी हैं उनको ना आलू प्याज बेचने का अनुभव था ना वो उनको होम डिलीवरी का अनुभव था, लेकिन पूरे सिस्टम ने बहुत मेहनत करके इस पूरी प्रक्रिया को जो है एक तरीके से संस्थागत रूप दे दिया है। अब इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। लोगों से मैं बस यही अपील करूंगा कि आप लोग धैर्य रखें, लॉकडाउन तभी इफेक्टिव होगा जब हम लोग राशन पहुंचा सकें, और जब तक लॉकडाउन नहीं होगा तब तक हम लोग इस बीमारी से नहीं लड़ सकते हैं। निश्चित रूप से असुविधा थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से इसमें माइक्रो प्लानिंग के साथ में काम कर रहे हैं, 1-2 दिन में पूरी तरीके से व्यवस्था को हम लोग सुचारू रूप से चला देंगे। इसके अलावा अन्य कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है घर घर राशन पहुंचाने का, एकमात्र विकल्प यही है जिसपे हम लोग लगातार वर्किंग करके एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या लगता है कि कुछ देखिये आलू प्याज की कीमतों को लेते कुछ जगहों से शिकायतें आई थी, एक दुकान को हम लोगों ने सील कराने की भी कार्रवाई करी थी। आज जो बैठक में निर्णय हुआ है कि कहीं पर भी अगर आलू प्याज 30 रुपए से ज्यादा, 30 रुपए पर केजी से ज्यादा अगर कहीं पर भी बेचा जा रहा है तो हम लोग उस संबंधित दुकानदार के खिलाफ न केवल अभी वापस पास लेने की डी नोटिफाई करने की कार्रवाई करेंगे, बल्कि उसका ट्रेड लाइसेंस निरस्त करने का या फिर दुकान पूर्णतः बंद कराने का भी कार्रवाई करें। सर, क्या कहीं कुछ किराना दुकान जो है वो लापरवाही उनके सामने आ रही, मतलब जमाखोरी और इस तरह की जो है? देखिए, जमाखोरी के किराना व्यापारियों की तरफ से नहीं आ रही है, ये जरूर हो रहा है कि कुछ किराना व्यापारियों की शिकायत मिली थी कि वो लोग जो उनको ऑनलाइन ऑर्डर दूसरे मिलते हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हमारे जो ऑर्डर्स हैं उनकी तरफ उनका ध्यान कम था, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। कुल मिला के 5-6 दिन पुराना ये सिस्टम है, उस हिसाब से अगर देखें तो हमारी सफलता जो है बहुत अधिक है। जो भी समस्याएं बची हैं 10-20% की हमारी दिक्कतें आ रही हैं वो आज या कल में उनको पूरी तरीके से रिजॉल्व कर सकते। इस वक्त सारी मशीनरी दबाव में, निगम कर्मी भी दबाव में, उनका मनोबल बनाए रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जब व्यक्ति का और खासतौर पर जो सरकारी सिस्टम में लोग लगे हुए हैं वो कितने एफिशिएंट हैं, कितने सक्षम हैं और उनमें सेवा भावना कितनी अधिक है, इसका पता तभी चलता है जब ऐसे ही संकट के समय हम लोग काम करते हैं, ऐसे ही दबाव में काम करते हैं। हमारे नगर निगम की पूरी टीम ने कई सारे ऐसे पड़ावों में, चाहे स्वच्छता सर्वेक्षण की हम लोग बात करें, चाहे हमारा जवाहर मार्ग के ब्रिज का निर्माण हो, चाहे हमारी स्मार्ट सिटी की रोड का निर्माण हो, चाहे 56 दुकान का निर्माण हो, बहुत ही सीमित समयावधि के समय बहुत ही ट्रेमेंडस प्रेशर में काम किया है। सभी लोग सक्षम हैं इन दबावों को झेलने के लिए, और अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। पूरे शहर को हम लोग कोरोना से बचाने की जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है नगर निगम के कर्मचारियों का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है, और पूरी सक्षमता से पूरी ताकत से हम लोग लगकर इस सिस्टम को भी सफल बनाएंगे। थैंक यू।